लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि जो कंसेंट्रेशन टर्म्स होती है ना, कि सॉल्यूट कितना हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ना, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन या फिर कंसेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, कि सॉल्यूट की कितनी अमाउंट किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में मौजूद है। और इसके लिए हमने परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में मैंने आपको बताया। और परसेंटेज कंपोजिशन में हमने क्या पढ़ा कि ऊपर तो आते हैं सॉल्यूट के पार्ट्स, नीचे आते हैं सॉल्यूशन का अमाउंट, और उसको कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन के लिए हमने चार अलग अलग तरह के यूनिट्स लिए, अलग अलग तरह के फॉर्मूले लिए। और सबसे पहला था वेट बाय वेट परसेंटेज, तो ऊपर तो आता है सॉल्यूट का वेट, नीचे आता है सॉल्यूशन का वेट, इनटू कर देते हैं हम 100। तो इससे आ जाता है वेट बाय वेट परसेंटेज सबसे पहले। फिर आता है वेट बाय वॉल्यूम, ऊपर सॉल्यूट का वेट, नीचे वॉल्यूम सॉल्यूशन का, इनटू 100। फिर वॉल्यूम बाय वेट, ऊपर वॉल्यूम सॉल्यूट का, नीचे वेट सॉल्यूशन का, इनटू 100। और लास्ट में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसमें आता है ऊपर सॉल्यूट का वॉल्यूम, नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम, इनटू कर देते हैं हम 100 से। तो इस तरह से चार जो हमने अलग अलग फॉर्मूले देखे, अलग अलग तरह के, जिसकी सहायता से हम परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं कि सॉल्यूट कितना मौजूद है सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स में। तो ये हमने यहाँ पर सीखा। अब देखो ये जो चारों टर्म्स है, इन चारों टर्म्स में एक इम्पोर्टेंट नोट लिखते हैं। ये चारों टर्म्स जो थी, इन टर्म्स के लिए एक इम्पोर्टेंट नोट लिखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट। ये नोट क्या कहता है, देखो ध्यान से समझना। ये नोट है, 1000 रुपए का नोट है, तो इसकी कीमत 1000 रुपए मानो आप, लाखों रुपए मानो, बहुत ही काम का नोट है। ये नोट क्या कहता है कि जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, जब भी किसी मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है, तो स्पेशली ऐसा देखा जाता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, और टेम्परेचर घटाते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। हम जैसा कि जानते हैं कि टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे, जैसे फर्स्ट चैप्टर सीखा था, फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था कि टेम्परेचर अगर सॉलिड का बढ़ाते हो तो सॉलिड लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, लिक्विड का टेम्परेचर और बढ़ाते हो तो ये गैस स्टेट में चला जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर घटाते हो तो वॉल्यूम घटता है। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पे पहले हम ध्यान रखेंगे कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो वैसे वैसे वॉल्यूम इंक्रीज होता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है वॉल्यूम भी डिक्रीज होता है। एंड एज टेम्परेचर डिक्रीजेस, एज टेम्परेचर डिक्रीजेस वॉल्यूम, वॉल्यूम डिक्रीजेस। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर और वॉल्यूम का ये रिलेशन हमें ध्यान में रखना है कि जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होता है। अब जो हमने चार टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, चार टर्मिनोलॉजी हमने कौन कौन सी पढ़ी थी, एक तो वेट बाय वेट परसेंटेज, एक वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एक वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज, और लास्ट हमने पढ़ा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है यहाँ पे कि इनमें से कौन सी, जो कौन सी यूनिट या फिर कौन सी टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी और कौन सी टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। मान लो हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो इसमें से कौन सी टर्मिनोलॉजी टेम्परेचर की के चेंज होने से चेंज होगी और कौन सी टर्मिनोलॉजी टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज नहीं होगी, तो ये हमें ध्यान में रखना है, ये हमें देखना है। तो देखो इन चारों यूनिट्स में, इन चारों टर्म्स में, जहां जहां वॉल्यूम होगा, मेरी बात ध्यान से समझना, इन चारों टर्म्स में जहां जहां वॉल्यूम होगा, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वो वॉल्यूम भी चेंज होगा, और अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो क्या वो टर्म पूरी की पूरी चेंज नहीं हो जाएगी।
है ना। तो इन चारों टर्म में देखो, ये वाली जो टर्म है, अगर मैं ये सवाल पूछूं कि कौन कौन सी टर्म्स जो है वो चेंज होगी और कौन कौन सी नहीं, तो सबसे पहले वेट बाय वेट वाली टर्म, अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो ऊपर भी वेट है नीचे भी वेट है, ऊपर सॉल्यूशन का वेट है और नीचे सॉल्यूशन, ऊपर सॉल्यूट का वेट है और नीचे सॉल्यूशन का वेट है। वेट एक ऐसी चीज है जो टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज नहीं होती है। वेट एक तरह से मास हो गया, तो मास जो होता है वो टेम्परेचर चेंज करने से चेंज नहीं होता है। वॉल्यूम चेंज हो जाता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर घटाते हो तो वॉल्यूम घटता है। तो ये चेंज नहीं होगा यहाँ पे, वेट बाय वेट वाली टर्म नहीं होगी क्योंकि ऊपर भी वेट नीचे भी वेट। इस केस में ऊपर वेट है, ऊपर वाली टर्म नहीं चेंज होगी, लेकिन नीचे वॉल्यूम है सॉल्यूशन का चेंज हो जाएगा, तो ये चेंज होगा। ऊपर वॉल्यूम है नीचे वेट है तो ये चेंज होगा, तो पूरा ओवरऑल टर्म चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में ये भी चेंज हो जाएगा। तो इसमें से देखो, ये जो टर्म है वेट बाय वेट परसेंटेज, ये एकमात्र ऐसी टर्म होगी जो हमारी टेम्परेचर से चेंज नहीं होगी। तो इसके लिए लिखेंगे हम डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर, डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर, विद टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती, कौन सी? वेट बाय वेट टर्म। वेट बाय वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होगी, तो चेंजेस विद टेम्परेचर, चेंजेस विद टेम्परेचर। तो ये टर्म क्या होगी? टेम्परेचर के साथ चेंज होगी। और इसी तरह से ये भी टर्म टेम्परेचर के साथ चेंज होगी, और ये जो लास्ट वाली टर्म है ये भी टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कौन सी टर्म या फिर कौन सा जो यूनिट है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होगा और कौन सा नहीं होगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। तो जिस जिस टर्म में वॉल्यूम होगा वो टर्म हमारा टेम्परेचर के साथ कोई ना कोई चेंज शो जरूर करेगी। ये पॉइंट समझ में आया क्या? किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो इस पर पूछ सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कंसेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करती है। मान लो आप लेबोरेटरी में गए, है ना, तो लेबोरेटरी में क्या है कि जब आप लेबोरेटरी को देखोगे तो आप देखोगे कि वहां पे जो अलग अलग केमिकल्स है वो इस तरह से कुछ बोतल्स में रखे हुए रहते हैं, ऐसे ऐसे केमिकल्स की बोतल होती है और इनके ऊपर टर्म्स लिखी होती है, किसी पे वेट बाय वेट परसेंटेज टर्म्स लिखा होगा ऐसे, है ना, 2% वेट बाय वेट, NaOH एक्वस सॉल्यूशन ऐसे लिखा हुआ है, मान लो NaOH एक्वस सॉल्यूशन। तो ये वेट बाय वेट टर्म है ना, ये 2% गर्मी में भी वेट इतना ही रहेगा 2%, और सर्दी में भी इतना ही रहेगा। लेकिन मान लो कोई दूसरी बोतल होती है, उसकी जगह वेट बाय वेट की जगह वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज लिखा होता, या फिर वॉल्यूम बाय वेट लिखा होता, या फिर वेट बाय वॉल्यूम लिखा होता, तो आप ये देखते कि ये जो बोतल है, इस बोतल के अंदर जो आपका केमिकल रखा हुआ है, उस केमिकल की कंसेंट्रेशन हर मतलब पूरे साल के दौरान हमेशा चेंज हो रही है। गर्मियों में कुछ अलग वैल्यू है, सर्दियों में वैल्यू कुछ अलग है। तो इस वजह से जो वॉल्यूम वाली टर्म्स है, उन वॉल्यूम वाली टर्म्स की जगह कहीं कभी कभी, जैसे मान लो ऐसी कोई लेबोरेटरी हो, वैसे तो लेबोरेटरी बहुत ज्यादा जो हाई सेंसिटिव होती है उनका टेम्परेचर हमेशा कॉन्स्टेंट रखा जाता है, फिर भी कोई लेबोरेटरी है जो ऐसी कंट्री में जहाँ पे टेम्परेचर बहुत तेजी से चेंज होता है, तो वहाँ की कंट्री के जो साइंटिस्ट लोग हैं वो ये कोशिश करते हैं कि जो लेबोरेटरी में हमारे सैंपल्स रखे हुए हैं उनमें हम या तो वेट वेट से जुड़ी हुई कोई अगर टर्म है, कंसेंट्रेशन टर्म जिसमें सब जगह वेट ही वेट आ रहा है, वो हम यूज करें। तो इस वजह से डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज वाली जो कंसेंट्रेशन टर्म्स है वो सबसे ज्यादा यूज की जाती है। क्यों? क्योंकि इसका कोई टेम्परेचर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा है तो भी उतनी रहेगी, टेम्परेचर कम है तो भी उतनी रहेगी, लेकिन जो बाकी कंसेंट्रेशन टर्म्स है जितनी भी है, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम आ रहा है, तो वॉल्यूम आने की वजह से वॉल्यूम, क्योंकि टेम्परेचर का फंक्शन होता है, वॉल्यूम चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, तो बाकी कंसेंट्रेशन टर्म्स की जो एक्चुअल में वैल्यूज है वो चेंज हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी को भी कोई डाउट हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, तो यू कैन आस्क मी। बताओ, समझ में नहीं आई कोई बात तो पूछ सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट आगे सीखते हैं, हम नेक्स्ट टर्म की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट कुछ और अपन डेफिनेशन सीखते हैं सॉल्यूशन के बारे में।
तो नेक्स्ट जो टर्म है सॉल्यूशन के बारे में उसे समझते हैं, ये है सस्पेंडेड, सस्पेंशन को समझते हैं कि सस्पेंशन क्या होता है, किसी सॉल्यूशन के लिए सस्पेंशन से हमें क्या समझ में आना चाहिए, व्हाट इज सस्पेंशन, है ना। सस्पेंशन को देखो हिंदी में जो बोलते हैं, हिंदी में लटका हुआ बोलते हैं, कि कोई लटक जाता है ना तो उसको सस्पेंड कर दिया, मान लो जैसे मैं पत्थर को ऊपर छत से लटका दूं, धागा धागे से बांध के पत्थर को ऊपर से छत से लटका दूं, तो इसको बोलूंगे कि आई हैव सस्पेंडेड द स्टोन विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग फ्रॉम रूफ। तो ये क्या हो गया, एक सस्पेंशन हो गया, लटका दिया, यानी कोई लटका हुआ है जो है या फिर लटका हुआ, हिंदी में इसका ऐसे कुछ मतलब होता है। अब देखो सस्पेंशन जो है सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स, अगर सॉल्यूट सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो है वो कहीं ऐसे ही पड़े रह जाएं, मतलब सॉल्यूशन में मतलब इनसॉल्युबल होके वो पूरे सॉल्यूट में पूरी तरह से स्प्रेड हो जाते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन सस्पेंशन बोलते हैं। देखो डेफिनेशन वाइज समझिए, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, पहले तो बताओ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर दो तरह के मिक्सचर पड़े थे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर ये होता है कि जिसमें मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं, यानी कि आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट या फिर आप जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेटली ऑब्जर्व कर सकते हो। मैंने हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स भी आपको बताए थे कि अगर मान लो आप सॉल्ट और शुगर को आपस में मिक्स करते हो तो ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल बनेगा, या फिर आप एक दाल है और दाल में कंकड़ है, या फिर एक दाल में दूसरी दाल को मिलाया, है ना, उड़द की दाल या मूंग की दाल को मिलाया, तो इसमें आप क्या करोगे, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेटली, अच्छा ये मूंग दाल का दाना है, ये चना दाल का दाना है, ये उड़द दाल का दाना है, तो आप जितने भी उसके कंपोनेंट्स उनको सेपरेटली देख सकते हो। तो ऐसे सॉल्यूशंस होते थे, ऐसे मिक्सचर्स जो होते थे वो होते थे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब सस्पेंशन देखो क्या होता है, सस्पेंशन होता है कि ऐसा कोई हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें कोई इनसॉल्युबल पार्टिकल, इनसॉल्युबल मतलब वो उसमें घुला नहीं है, ठीक है, पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट स्प्रेड, स्प्रेड यानी कि फैल जाता है थ्रू आउट इन ए सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट में पूरी तरह से सॉल्वेंट में फैल जाता है, हर जगह वो सॉल्वेंट में हमें दिखाई देता है लेकिन वो इनसॉल्युबल है, घुला हुआ नहीं है, और भी क्या है, हेट्रोजीनियस है, यानी कि जो कंपोनेंट्स है, जो पार्ट है वो सॉल्वेंट से या फिर जो दूसरा जिसमें हमें घोला है, जैसे पानी में मान लो घोला, तो ये हमें मिट्टी जो है वो अलग दिखाई दे रही है। तो इसका देखो एग्जाम्पल समझना, मडी वाटर जो होता है, जैसे मडी वाटर आपने देखा होगा, मडी वाटर में क्या होता है, जैसे मडी वाटर कुछ इस तरह से होता है, ये मड है वाटर की, ये मड है वाटर की, और ये मान लो कोई गिलास लिया हमने, है ना, गिलास लिया हमने और गिलास में पानी भरा, ऐसा कुछ गिलास लिया, इस गिलास में मड वाटर है, ये मड वाटर है, मडी वाटर। तो इस मडी वाटर में देखो क्या हो रहा है, ये जो वाटर प्लस मड है, तो ये मिट्टी के जो पार्टिकल है, ये जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं ऐसे, ये मिट्टी के पार्टिकल थ्रूआउट द लिक्विड स्प्रेडेड है, ये यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड है, लेकिन अब ये मिट्टी के पार्टिकल इसमें सस्पेंडेड है, यानी कि अब लटके हुए एक तरह से, ये झोल खा रहे हैं, मतलब एकदम ही ना तो ये ऊपर जा पा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, बीच में ही रह गए। तो ये यहाँ पर जब इस स्टेट में है ये मिट्टी के पार्टिकल इस मडी वाटर के अंदर, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं, इसे बोलते हैं सस्पेंशन। अब ये सस्पेंशन स्टेट में है जब मडी वाटर है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है हम जानते हैं, ग्रेविटेशन फील्ड के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण में जो पृथ्वी होती है अर्थ, वो अपने और क्या करती है, हर पार्टिकल को अट्रैक्ट करती है, तो ये सारे जो मड के पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे नीचे नीचे यहाँ पे सेटल होने लगते हैं, तो यहाँ पे हमें सेटलिंग होने लगती है, इसे बोलते हैं सेटलिंग। ये यहाँ पे मडी वाटर में जो मिट्टी का कण है नीचे सेटल होने लगते हैं धीरे धीरे, लेकिन सेटल होने से पहले ये किस स्टेट में थे, ये सस्पेंशन स्टेट में थे, तो इसको बोलते हैं सेटलिंग, सेटलिंग ऑफ मड पार्टिकल्स, ठीक है। तो जो मड के पार्टिकल या जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं
वो सस्पेंड होने से पहले, सस्पेंशन यानी कि सस्पेंशन के बाद में वो क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। तो सेटल होने से पहले जिस स्टेट में है उसे अपन क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। आई बात समझ में? देखो सस्पेंशन के अलावा पेंट हो गया, जैसे पेंट अपन करते हैं ना कलर, तो कलर को जब मिलाते हैं, तो आपने देखा होगा कि कलर को जब मिलाते हैं तो कलर के पार्टिकल्स क्या सस्पेंडेड रहते हैं पानी के अंदर, ताकि आप फिर उससे ब्रश भिगोते हो और उसको दीवार पे ऐसे लगाते हो, तो जो सारे के सारे पार्टिकल्स है वो दीवार पे फैल जाते हैं, पानी उड़ जाता है। जैसे ही पेंट सूखता है तो पानी तो उड़ जाएगा, आप पानी में मिलाओगे पेंट को, पेंट को पानी में मिलाओगे, अब पेंट के जो पार्टिकल्स हैं, जो कलर्ड पार्टिकल्स हैं, वो पानी में सस्पेंशन में होंगे। जैसे आपने ब्रश को भिगोया उस पेंट वाली बाल्टी से, दीवार पे आपने फैलाया, तो आप देखोगे कि पहले दीवार गीली होती है, तो गीले के समय आपका जो पेंटर होता है वो कहता है कि नहीं नहीं हाथ मत लगाओ बाबू, अभी सूखने दो इसको। तो जब वो सूख जाता है, सूखने का मतलब क्या, जो पानी है वो तो उड़ गया, पीछे क्या बच गए, पेंट के पार्टिकल बच गए। तो पेंट के पार्टिकल्स क्या होते हैं, दीवार पे चिपक जाते हैं, और जब सूख जाता है तो कलर जो है हमारा दीवार का निखर के बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे पेंट के पार्टिकल्स जो थे वो वाटर के अंदर घुले हुए नहीं थे, घुलने का मतलब क्या हो गया, पूरी तरह से वाटर का हिस्सा ही बन गए। तो घुले हुए होते तो उस समय हमें पेंट जो है जब हम दीवार पे लगाते तो पानी के साथ पेंट के पार्टिकल भी क्या होते, उड़ जाते। इसका मतलब होता क्या, घुल गए। घुलने का मतलब क्या होता, वाटर के साथ घुले होते, तो जब वाटर इवेपराइज्ड होता उस दीवार से तो पार्टिकल भी क्या हो जाते, उड़ जाते। लेकिन यहाँ पे पार्टिकल इनसॉल्यूबल थे क्योंकि सस्पेंडेड स्टेट में थे, सस्पेंशन स्टेट में थे पार्टिकल्स वाटर के अंदर। इस वजह से क्या हुआ यहाँ पे, इस वजह से जो पार्टिकल्स थे वो तो दीवार पे ही रह गए, और जो पार्टिकल्स तो दीवार पे रह गए और हमारा जो वाटर था वो उड़ गया। तो आई होप आपको सस्पेंशन स्टेट क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन। और इससे ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप गूगल भी कर सकते हो, गूगल पे आपको बहुत सारा जो इमेजेस हैं अलग अलग सॉल्यूशंस की, सस्पेंशन सॉल्यूशन की आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो सस्पेंशन सॉल्यूशन हो गया। अब अपन लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं कि ये जो सस्पेंशन सॉल्यूशंस है इस तरह के वो कैसे तैयार किए जाते हैं, हाउ वी प्रिपेयर दीज सस्पेंडेड सॉल्यूशंस। ठीक है, आखिर ये सस्पेंशन सॉल्यूशन आते कैसे हैं, तो नेक्स्ट लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन सॉल्यूशन। मैं यहीं पे ले लेता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है कोई भी सस्पेंशन सॉल्यूशन हो उसके लिए। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसका एक तो साइज के बारे में, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसको सेपरेट कैसे किया जा सकता है, तीसरी है ये हेट्रोजीनियस नेचर में होता है, और एक्सेसिव अमाउंट में स्कैटरिंग होती है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज फॉर सस्पेंशन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है पार्टिकल साइज इज 10^-5। ये देखो -5 है, 10^, ये क्या है, ये 10^-5 है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखना, ये 10^-5 मीटर। तो कोई भी पार्टिकल सस्पेंशन स्टेट में है तो वो कितना होता है, 10^-5 मीटर डायमीटर का होता है। ठीक है, अगर आपको याद हो कि वही मैंने बताया था ट्रू सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स का डायमीटर कितना, किस साइज का होता है, कोई बता सकता है? मैंने पिछली क्लास में ही आपको बताया था कि जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं उसमें पार्टिकल साइज का कितना होता है, अगर कोई बता सकता है, देखते हैं किसको याद है। ये तो है पार्टिकल साइज किसमें, सस्पेंशन स्टेट में, अगर कोई अगर सॉल्यूशन है, अगर कोई मिक्सचर है तो उसके लिए पार्टिकल साइज है 10^-5 मीटर। मैंने बताया था कि भाई अगर मान लो कोई ट्रू सॉल्यूशन के केस में अगर हमें देखना हो तो उस केस में पार्टिकल साइज कितना होता है, कोई बताएगा? देखते हैं आप में से कितने लोग रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं और चीजों को समझ रहे हैं। बताओ ट्रू सॉल्यूशन के केस में पार्टिकल साइज कितना होता है, मैसेज करो बताओ, किसी को नहीं आता? बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे क्या, खाली लेक्चर ही देखते हो? बताओ
ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है साइज, मैं बता देता हूँ, 10^-9 मीटर रेंज का होता है। मैंने लास्ट क्लास में ट्रू सॉल्यूशन के बारे में जब पढ़ाया था बताया था किसमें है ये ट्रू सॉल्यूशन। देखो ट्रू सॉल्यूशन अलग होता है, सस्पेंशन अलग होता है। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स पूरी तरह से घुल जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। लेकिन सस्पेंशन में पूरी तरह से घुलता नहीं है, इनसॉल्यूबल रहता है पार्टिकल। और पार्टिकल का साइज भी क्या रहता है, 10^-5 मीटर रहता है। तो ये ट्रू सॉल्यूशन वाला केस है, ध्यान रखें, याद रखें, नोट्स बनाइए कॉपी में, और अगर रेगुलर नहीं पढ़ाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो पहला पॉइंट हो गया कि अगर जो सस्पेंशन स्टेट में है कोई मिक्सचर, तो उसके अंदर जो पार्टिकल साइज है वो कितना होता है, 10^-5 मीटर होता है। एक तो देखो 10^-9 बड़ा है या 10^-5, चलो इतना सा बता दो आप लोग। मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 10^-9 बड़ा है या 10^-5, कौन बड़ा है इन दोनों में से, कौन बता सकता है, देखते हैं। हु इज लार्जर, 10^-5 और 10^-9, कौन बड़ा होता है इसमें से। -5 बड़ा है, बिल्कुल सही, ठीक है। ये तो चलो पता होगा आपको, 10^-5 इज ग्रेटर देन 10^-9, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं कि पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो जो सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है उसमें पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन, जो फिल्टर पेपर होता है ना, मैंने आपको बताया फिल्टर पेपर एक कागज होता है, कागज के अंदर पोर्स होते हैं, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, पार्टिकल्स को, जो आपके पार्टिकल्स हैं जो इनसॉल्यूबल हैं, उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि ये जो मडी वाटर है, इस मडी वाटर को अगर आपको क्लीन करना है, तो क्लीन करने के लिए आप क्या करोगे, आप कोई फिल्टर पेपर, यानी कि कागज का जो फिल्टर पेपर होता है, उससे आप इसको सेपरेट कर सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। हेट्रोजीनियस नेचर मतलब क्या, कंप्लीटली यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है, है ना, आप देख सकते हो यूनिफॉर्मली कहाँ मिक्स है, है ना। तो ये हेट्रोजीनियस नेचर का होता है कौन, सस्पेंशन सॉल्यूशन। और नेक्स्ट है कि अगर एक्सेसिव अमाउंट हो तो स्कैटरिंग होती है लाइट की सस्पेंशन में। अगर आपका मान लो जो मडी वाटर है, पार्टिकल से जो सस्पेंशन पार्टिकल है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हो, तो जो लाइट है उसकी स्कैटरिंग होगी। अब देखो लाइट की स्ट्रेंथ स्कैटरिंग जो है बार बार आ रही है, ट्रू सॉल्यूशन में लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती है। हमने एक डिफरेंस देखा था, ट्रू सॉल्यूशन में स्कैटरिंग नहीं होती है, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था, ओके। लेकिन यहाँ पे लाइट की स्कैटरिंग होती है किसमें, सस्पेंशन सॉल्यूशन में। और अगर आप मान लो चेक भी करते हो, अगर आप ट्राई करना जो मडी वाटर है, मडी वाटर के एक तरफ आप टॉर्च जला के देखना और दूसरी तरफ आप देखना, तो आप देखोगे कि मडी वाटर जो है लाइट के पार्टिकल्स को स्कैटर करने देंगे। तो मैं लाइट की स्कैटरिंग के लिए आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि लाइट की स्कैटरिंग क्या होती है, ठीक है। व्हाट इज लाइट स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलो हम कोई वीडियो देखते हैं अच्छा सा, यूट्यूब पे अगर हमें मिलता है तो मैं आपको स्कैटरिंग का मतलब क्या है लाइट का, उसका वीडियो दिखाता हूँ। देखो मुझे एक अच्छा वीडियो मिला है, तो मैं आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एक वीडियो दिखाता हूँ, तो ध्यान से देखना इसको और समझना कि व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ओके। वन सेकेंड, मैं वीडियो चला रहा हूँ आपके लिए, पहले मैं एक बार चेक करता हूँ वीडियो सही है, यस, या चलो देखते हैं वीडियो। तो व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लेट मी शेयर स्क्रीन ऑफ वीडियो विद यू। हाँ अब देखिए, देखो ये इस लाइट की स्कैटरिंग का एक एग्जांपल यहाँ पे ये भी है कि जो सनसेट होता है और सनराइज होता है, उस समय
जो सन का रेडिश रेडिश कलर होता है ना, ये देखो ये रेड रेड का कलर दिखाई दे रहा है, तो इसका कारण भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही होता है। तो ये बात भी ध्यान रखना, एक्स्ट्रा जानकारी मिल गई हमें यहाँ पे। यस देखो वैसे स्कैटरिंग का देखो एटॉमिक लेवल पे बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया इस वीडियो को बनाने वाले व्यक्ति ने, कि जब एक कोई लाइट की बीम एटम के ऊपर फॉल होती है, तो आप ऐसा जानते हो कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर वाइब्रेट करने लगते हैं। इट कॉजेज द इलेक्ट्रॉन इन द एटम टू वाइब्रेट। द वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो एटम के अंदर वाइब्रेट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन टर्न री इमिट लाइट इन ऑल डायरेक्शन। तो ये लाइट को हर डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में री इमिट करते हैं। इस प्रोसेस को स्कैटरिंग कहते हैं। देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हो, ये हर डायरेक्शन लाइट को री इमिट करने लगते हैं जब एटम के ऊपर लाइट फॉल होती है, तो इसी को स्कैटरिंग कहते हैं। अब देखो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, वहां पे क्या होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बादल वगैरह हैं वहां पे एयर पार्टिकल्स हैं, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हैं। तो जो सन की रेज इससे जब पास होती है, तो ये स्कैटरिंग करते हैं अलग अलग तरह के लाइट की रेज को। और स्कैटरिंग जो है वो वेवलेंथ के फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल होती है। अब देखो वेवलेंथ के फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतना ही स्कैटरिंग कम होगा, और जितना कम वेवलेंथ होगा उतना ही स्कैटरिंग ज्यादा होगा। अब देखो वेवलेंथ में लाइट का जो एक पैटर्न होता है वेबिग्योर लाइट जो होती है, व्हाइट लाइट, वो सात कलर से मिलकर बनी होती है, वेबिग्योर से, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, ऑरेंज। तो यहाँ पे वॉयलेट जो होता है, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, और वॉयलेट की लेट वेवलेंथ सबसे कम होने की वजह से जो वॉयलेट कलर है सबसे ज्यादा लाइट का स्कैटरिंग करता है, और यही कारण होता है स्काई जो होता है, आसमान हमें ब्लू दिखाई देता है। देखो ये स्कैटरिंग जो है मैं आपको अलग से ही पढ़ा रहा हूँ, ये आपका मेन सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो ये जानकारी भी आप साथ में ध्यान में रखना, क्योंकि ये सब सबसे पहले जॉन टिंडल नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने स्कैटरिंग को एक्सप्लेन किया, इसका जो स्काई होता है वो ब्लू क्यों होता है उनको उन्होंने एक्सप्लेन किया। और जॉन टिंडल ने एक इफेक्ट भी दिया था, टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जैसे जब आप किसी अंडरग्राउंड कमरे में हो और बाहर से सूर्य का जो लाइट है वो आ रहा होता है, तो आप देखते हो कि आपको जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा क्लियरली विजिबल होने लगते हैं। तो ये जो मिट्टी के पार्टिकल्स जब क्लियरली विजिबल होते हैं, तो इसी को ही अपन टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, है ना। ये टिंडल इफेक्ट जॉन टिंडल ने ही दिया था, और जॉन टिंडल ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1859 में स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है उसे एक्सप्लेन किया था। तो स्काई का कलर ब्लू जो होता है उसके पीछे भी कारण क्या है, यहाँ पे भी कारण है स्कैटरिंग ऑफ कलर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और स्कैटरिंग लाइट की क्यों होती है, जब लाइट किसी एटम पे फॉल होती है तो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो री वाइब्रेट होते हुए री इमिट करते हैं लाइट को, और उसी वजह से लाइट की स्कैटरिंग होती है। तो ये बातें भी ध्यान में रखना, बहुत ही मजेदार बातें आपको साथ साथ में मैं बता रहा हूं। ये टिंडल पार्टिकल्स, टिंडल इफेक्ट। देखो ये टिंडल इफेक्ट है, स्काई कलर ब्लू क्यों होता है, ठीक है। तो ये टिंडल इफेक्ट के बारे में, इसके बारे में है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इस तरह से होती है। और एक रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट अगर देखना है तो भी देख सकते हैं हम।
देखो ये भी एक देख सकते हैं अपन, वीडियो बहुत अच्छा वीडियो है, इसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ये देखो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है यहाँ पे, ये इस ग्लास में देखो लाइट की स्कैटरिंग नहीं हो रही है, तो हम लाइट का स्कैटरिंग का पाथ नहीं देख पा रहे, लेकिन इसमें देखो लेजर बीम का पाथ अपन देख पा रहे हैं। इसमें हमने थोड़ा सा मिल्क मिला दिया, दूध मिला दिया, तो दूध के पार्टिकल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्कैटरिंग कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। ठीक है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया। ओके, तो दिस इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्कैटरिंग क्या है। ये जॉन टिंडल नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था 1859 में, और टिंडल इफेक्ट भी एक बहुत फेमस इफेक्ट होता है। जैसे आप मान लो कोई आपके जो जरोखा होता है घर में, और बाहर से धूप आ रही हो अंदर अंधेरा हो, तो आप धूप वाली जो रे है, रे जब मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं हमारे कमरे के अंदर उसके ऊपर पड़ती है, तो आपने देखा होगा कि वो मिट्टी के पार्टिकल स्पार्क कर होते हुए दिखाई देते हैं, मतलब चमकते हुए ऐसे दिखाई देते हैं कि मिट्टी के पार्टिकल को आप देख पा रहे हो। तो उसमें क्या होता है कि वो मिट्टी के पार्टिकल जो है वो लाइट को स्कैटर कर रहे होते हैं, वो स्कैटर हुई हुई लाइट हमें दिखाई देती है, हम हर डायरेक्शन से जब देखते हैं तो वो पार्टिकल हमें दिखाई देने लगता है, तो उस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ओके, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट और टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही एक कारण है जिसकी वजह से हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि स्कैटरिंग जो होती है वो वेवलेंथ की पावर फोर्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी हमारा लाइट का स्कैटरिंग उतना कम होगा, और वेवलेंथ जितनी कम होगी उतना ज्यादा स्कैटरिंग होगा। अब जो लाइट होती है व्हाइट लाइट, वो सेवन कलर से मिलकर बनी होती है, विबिग्योर जिसको बोलते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, है ना, इस तरह से। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, है ना, विबिग्योर होता है, ऑरेंज रेड होता है, तो ये सात कलर से मिलकर बना होता है व्हाइट लाइट। अब अगर व्हाइट लाइट जो सन से आता है, तो सन से जब व्हाइट लाइट आएगा तो उसमें सारे के सारे सात कलर होते हैं, लेकिन वॉयलेट का जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होता है, सबसे कम होने की वजह से वो स्कैटरिंग सबसे ज्यादा शो करता है, स्कैटरिंग सबसे ज्यादा शो करता है, इस वजह से हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है। और ये सबसे पहले एक्सप्लेन किया था हमारे टिंडल भाई साहब ने, टिंडल ने इसके बारे में बताया। तो ये होता है टिंडल इफेक्ट, ठीक है, तो ये स्कैटरिंग होता है। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, मैं एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ आज को आपको। पहले तो हमने पढ़ा कि इनमें से कौन कौन सी क्वांटिटीज जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और कौन कौन सी नहीं करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें ध्यान में रखना है। दूसरा हमने पढ़ा कि जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा, है ना, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इनसॉल्युबल पार्टिकल होता है जिसमें सॉल्यूट थ्रू आउट द सॉलेंट स्प्रेडेड रहता है, एग्जाम्पल मडी वाटर और पेंट। पेंट का भी मैंने आपको प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया, हालांकि नोट्स मैंने कम दिए, लेकिन मैंने आपको सिखाया बहुत ज्यादा है, मैंने पेंट का पूरा मैकेनिज्म सिखाया कि पेंट कैसे काम करता है, और मैंने आपको स्कैटरिंग के बारे में बताया, मैंने टिंडल इफेक्ट के बारे में भी बताया, हालांकि स्कैटरिंग और टिंडल इफेक्ट आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है, तो मैंने नोट्स में आपको उनके बारे में नहीं लिखा है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, बहुत काम की बात है। तो आज अपन इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, यहाँ ओके, आज के लिए फिर इतने रखते हैं, यहां से आगे अपन कल की क्लास में मिलेंगे।